हेलो दोस्तों, तो आज हम आपके लिए लाए हैं कि टिकटॉक की वीडियो कैसे डाउनलोड करें। तो इसको डाउनलोड करने के प्रोसेस बहुत है, लेकिन हम केवल दो ही प्रोसेस ले रहे हैं जिसमें आप हम पहले प्रोसेस पे सबसे पहले आते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। तो सबसे पहले प्रोसेस के लिए आपको तीन चीजें चाहिए, उसमें दो ऐप है और एक वेबसाइट है। तो चलिए सबसे पहले लेते हैं। पहले आपको मिलेगा वीपीएन चेंजर, ठीक है। इस टच वीपीएन मेरे लिए अच्छा है क्योंकि काफी रिलायबल है, काफी अच्छा वर्क करता है ये। और दूसरा है टिकटॉक वीडियो डाउनलोडर, जिसका दोनों का लिंक आपको नीचे दे देंगे, आप अपना आराम डाउनलोड कर सकते। तो आप अपना वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। टिकटॉक वीडियो डाउनलोडर है जो कि आप अपने हम जो लिंक प्रोवाइड करेंगे उससे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वीपीएन चेंजर दरअसल गूगल प्ले स्टोर पे प्रीमियम मांगते हैं क्योंकि दिक्कत हो जाती है, तुरंत डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो हम अनलॉक्ड आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे लिंक से। तो अब तीसरा है टिकटॉक वेब। तो ये टिकटॉक वेब आपका वेबसाइट खुलेगा, उसके सबसे पहले क्या करना होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं टिकटॉक वेब इंडिया में नहीं खुलेगा, तो उसके लिए वीपीएन लगाना पड़ेगा। वीपीएन जहां तक मेरा टेस्टेड है, हमने रसिया किया है, वैसे मैंने हांगकांग को सिक्योर के नहीं हुआ। तो रसिया अप्लाई कर लीजिएगा, सिंगापुर भी कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, इनकी साइट खुल जाएगी। साइट खुलने के बाद आप क्या करेंगे, पहले अपना जिससे पहले आपने आईडी बनाए थे, इस पर ढेर सारे ऑप्शन मिलेंगे, उससे आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके आईडी खुल जाएगी, जैसे ही पहले ऐप में खुलता था इंटरफेस, वैसे ही आपका वेब में खुल जाएगा। वेब में थोड़ा स्लो रहेगा क्योंकि ब्राउजर है, ऐप तो है नहीं। तो इसके लिए आप अपना जो भी वीडियो है, आप इसमें आप अपने वीडियो के जो वीडियो आपने पोस्ट भी नहीं किए थे, बस केवल सेव रखा था, वो भी आप इसमें इससे डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब कि जिन लोगों का लगता है कि मेरा वीडियो खो गया है, अब नहीं मिलेगा, तो ये सब साइट पर अवेलेबल है, आपका डाटा भी सेव है, आप अपने डाउनलोड कर सकते हैं। तो तीसरा जो है टिकटॉक वीडियो डाउनलोडर, जिसको आप डाउनलोड कर चुके होंगे, डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, आपको टिकटॉक वेब से अपना यूआरएल लिंक कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद इसे पेस्ट कर देना है। तो इससे ये क्या हुआ कि आपके जो वीडियो डाउनलोड हो जाएंगे, डाउनलोड आपका होगा अच्छी क्वालिटी में, उसके साथ साथ वाटरमार्क भी नहीं रहेगा, तो आप अपनी वीडियो यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि ये जो साइट हमने आपको प्रोवाइड किया है, यहां आप जाएंगे, अगर आप एज अ गेस्ट यूज कर पाएंगे, आप अपनी आईडी से लॉगिन नहीं कर सकते, तो आप अपना यूजर आईडी डालेंगे। यूजर आईडी डालने के बाद अपने वीडियो चूज कीजिए, नीचे आएगा डाउनलोड। तो सबसे नीचे आप जब जाएंगे, सबसे नीचे डाउनलोड ऑप्शन आएगा, क्लिक कर देंगे, डाउनलोड यहां से कर सकते हैं। इसमें आपको सेव्ड वीडियो नहीं मिलेंगे क्योंकि आप एज अ गेस्ट यूज करेंगे इसको। तो इस तरह आप अपने दो तरह की वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं पबजी, जो कि ये भी इस टाइम बैन हो गया वो भी, लेकिन एक कहा जाए तो अभी इसका सर्वर नहीं बंद हुआ है, अभी तक वर्क प्रॉपरली कर रहा है। आप इसको कैसे अपडेट कर सकते हैं, कई लोगों ने इसका अपडेट कर भी लिया होगा, तो हम बता देते हैं, नहीं किया होगा तो आप जान जाए इसको। अगर आपने नहीं किया तो आप इसके ऑफिशियल पबजी मोबाइल में जाएंगे, पबजी मोबाइल आप इसको गूगल पर सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद आप इसके ऑफिशियल साइट पर जाएंगे। ऑफिशियल साइट में जाने के बाद अब उसमें आएगा APK, आप उसको APK डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए, इसके बाद आगे अपना प्रोसेस कर लेगा। ऑफिशियल न्यूज पबजी मोबाइल का आया है कि ये अब टेंसेंट को अपने पार्टनरशिप से कम करेंगे, मतलब थोड़ा सा हटा देंगे इंडिया में केवल, क्योंकि जानते हैं आपको दो इसमें है, एक ब्लू होल है और एक टेंसेंट। टेंसेंट पूरी तरह चाइनीज ऐप है जो कि इंडिया में बैन कर दिया गया है, तो इसलिए टेंसेंट का जो प्रायोरिटी है उसको कम कर देंगे इंडिया में, फिर हटा देंगे और ज्यादातर इसका पार्टनरशिप लेंगे ब्लू होल, तो इससे पबजी मोबाइल वापस आ सकता है। लेकिन इन्होंने इस चीज के लिए, वैसे तो कंपनी बहुत बड़ी है, तो इसके लिए प्रोसेस हटने नहीं देंगे क्योंकि बहुत लॉस झेला है जैसे ही बैन का प्रोसेस हुआ, तो ये जल्दी ही बैक कर लेगा, प्ले स्टोर पर बैक कर लेगा। वैसे तो अभी तक चली रहा है, इसका सर्वर बंद नहीं होने वाला, अभी बंद हुआ भी नहीं है, तो आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। बाकी एक इंडियन ऐप आ रहा है फौजी, वो कब तक आएगा, क्या आएगा, अभी कोई इसका रिलीजिंग डेट नहीं है, बस इसका रिहर्सल रिलीज हो गया है कि आने वाला है। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।